Welcome students of first year in Cambridge International Science College and online classes. Today, gentlemen, inshallah, I'm going to deliver my sixth lecture. उम्मीद है कि इससे पहले जितने भी lectures हैं वो आपने अपने पास लिखे होंगे, जो लिखने वाली चीज़ें होंगी और उसको तैयारी भी की होगा और कर रहे होंगे. पेयर ऑफ वर्ड्स का भी एक्सरसाइज शुरू कर दिए है मैंने. इससे पहले दो लेक्चर में पेयर ऑफ वर्ड्स लिखा चुका हूँ, आज अभी तीसरे लेक्चर में ये लिखवा रहा हूँ. तो आप साथ साथ बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको तैयार करते जाइए ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन में आपको कम से कम इनके लिए जो है वो सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ताकि ये पहले से तैयार हो. क्योंकि जैसे ही आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपका यहाँ पे जो सिलसिला है टेस्ट का, डेली, वीकली, मंथली, वो शुरू हो जाएगा. इसलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपने आपको तैयार करें. थैंक यू वेरी मच. सो आते हैं सबसे पहले अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे. तो हमारा जो आज पहला पेयर है वो है एमेबल, AMIABLE. काबले मोहब्बत, खुश मिजाज, ही इज एन एमेबल यंग मैन. He is an amiable young man. पेयर का दूसरा लफ्ज है amicable, AMICABLE. मिलनसार, रख रखाव, courteous. वो रिश्ते हैं एमिकेबल एग्रीमेंट, वो रिश्त एंड एमिकेबल एग्रीमेंट. सेकेंड पेयर, पहला वर्ड है एबिलिटी, काबिलियत. ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ म्यूजिकल भी कर सकते हैं आप, या रिलीजियस एबिलिटी भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट. He is a man of musical or religious ability. Next है capacity, गुंजाइश, काम करने की सलाहियत. सेंटेंस लिखिए. हर कैपेसिटी to remember facts, her capacity to remember facts is great. Next day, admission, ADMISSI, किसी इदारे में दाखिल. She got admission in the school, college or university, जो भी suitable हो वो लिख लें. स्कूल भी लिख सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं. She got admission in the college. अगेन जी पेयर का दूसरा वर्ड एडमिटेंस, ADMITANCE, किसी इमारत में दाखिल. देर इज नो एडमिटेंस
There is no admittance. Dakhla. Without court in the club, there is no admittance in the club without court. Chautha pe. Ali. ALLUSI. हवाला देना किसी चीज का. His essay is full of poetic allusions. His essay is full of poetic allusions. और दूसरा पेयर के साथ इलीगन ILLUSI में फरेब को कहते हैं, धोखे को कहते हैं. इट इज एन इलीगन That son revolves round the earth. It is an illusion that sun revolves round the earth. Our last pair hai ascent. ASCENT. ऐसे कहते हैं चढ़ाई को, किसी पहाड़ पे चढ़ना, चढ़ाई. एसेंट ऑफ द हेल्थ इज क्वाइट डिफिकल्ट कर सकते हैं. एसेंट ऑफ द हेल्थ इज क्वाइट डिफिकल्ट. यहां पर मैंने आपको लिखा है, फेंकना हुआ है. वी मेड ए सक्सेसफुल एसेंट. We made a successful effort of the hill. और हमारा जो fifth pair है उसका last word है ascent. ASCENT. मंजूरी को कहते हैं, रजामंदी को कहते हैं. द डायरेक्टर गेव हिज एसेंट फॉर द प्रोजेक्ट. द डायरेक्टर gave his assent for the project. आपने ये लिख लिया होगा. जो लेफ्ट ओवर उसको कंप्लीट करें. मैं नेक्स्ट जो है वो स्टोरी बटन पट्टी की तरफ आता हूं. ये सेंटेंसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपनी बुक पे आ जाइए और उम्मीद है कि आपने पेयर ऑफ वर्ड्स लिख लिए होंगे. और पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने के साथ साथ आपने जो बुक में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो जरूर लिखे होंगे. और अगर नहीं लिखे तो फिर आप जो है वो जरूर लिखिए. कोशिश किया करें कि एक आध पेज के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो अपने पास नोट कर लिया करें, ताकि इस वक्त यहां आपको पढ़ाया जाए तो आपको पढ़ने में दुश्वारी का सामना न हो, बल्कि आपके लिए वो आसानी का बायस हो. तो हम स्टोरी पटन पटन पढ़ रहे हैं. फर्स्ट स्टोरी हमारी प्रोग्रेस है. मेरे पास पेज है जी 6.
यहां से हम शुरू करते हैं. मे बी सम एसेंट्रिक मिलीनियर. एसेंट्रिक वर्ड्स ए डबल सी एन टी आर एसेंट्रिक. एसेंट्रिक कहते हैं एनवेलिक और मकबूतुल हवास खबती. मिलेनियर जैसे कि नाम से जाहिर है लाखपति को कहते हैं. वेल्दी पर्सन मिलेनियर. वेल मे बी सम सेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम. प्लेइंग गेम ट्रिक करना, कर्तव्य करना, खेल खेलना किसी के साथ. मे बी सम सेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल. हो सकता है कि कोई शी सेट नॉर्मल कहती है कि हो सकता है कोई खपती अहमद मुजिका खेज किस्म का आदमी जो है लाखपति वो लोगों के साथ किसी किस्म की कोई गेम कर रहा हो, कर्तव्य कर रहा हो, उनके साथ कोई ट्रिक कर रहा हो, गेम कर रहा हो. आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर एज दे वर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल. तो आर्थर ने वहां से नजरें ऊपर उठाई. आई डोंट अंडरस्टैंड कहते मैं तुम्हारी बात नहीं समझा. व्हाट डज दैट मीन कहते उसका क्या मकसद है. लेट इट गो ही टोल्ड. वो तो कहते छोड़ लेट इट गो लीव इट छोड़ दे इसको. नर्मा एट इन साइलेंस. एट सेकेंड फॉर्म में एट एट इन साइलेंस खामोशी से क्योंकि जरा नाराज थी लिहाजा उसने गुस्से से खामोशी से खाना खाया. Suddenly, अचानक she put her fork down. Fork कांटे को कहा जाता है. Sclapers जो आप खाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं छुरी कांटे. तो fork कांटे को कहा गया. Suddenly, she put her fork down. अचानक उसने अपना खाना खाने वाला जो कांटा था उसको नीचे रख दिया. Suppose it's a genuine, real, असली हकीकी. कहते फर्ज करो कि ये जो पेशकश है ये असली है, हकीकी है. शी सेड उसने कहा. आर्थर स्टेयर्ड एट हर. स्टेयर्ड एट टिकटिकी बांध कर देखना, घूर कर देखना. टू लुक अटेंटिवली तवज्जो के साथ. आर्थर ने उसे घूर कर देखा. सपोज इट इज ए जेन्युइन ऑफ फर्ज गुड कि ये जो पेशकश है ये असली है, ये हकीकी है, ये सही. ऑल राइट सपोज इट इज ठीक है. फर्ज करो कि ये ठीक है, असली है. ही लुक्ड इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस इनक्रेडुलस आई एन सी आर ई डी यू एलो यूस कहते हैं डाउटफुल जिसमें शक हो शुबा हो. शब शब इट लुक ही लुक इनक्रेडुलस वो इस बात पर यकीन न करते हुए दिखाई. यानी उसे ये बात या वो काबिल यकीन दिखाई ना. What would you like to do? Get the button back and push it. Button sama. कहते हैं तो फिर तुम क्या करोगी. What you would like to do? तुम क्या करना पसंद करोगे. Get the button back. Button unit वापस लो. And push it. और उसको दबा दो. Murder someone. इसी का कदर का. Norman looked disgusted. Disgusted, angry, nervous.
एंग्री नाराज, नर्मा नाराज दिखाई दे। मर्डर, और तो कहती है कि कतल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, कहती है आप कत्ल की तारीफ कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डिफाइन इट, कत्ल की तारीफ कैसे करोगे, इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन। नॉर्मा सर, नॉर्मा कहती है कि यहां तक कि आप आदमी को, यानी जो कत्ल होने वाला आदमी, उसके बारे में जानते भी नहीं है, तो फिर आप कत्ल की तारीफ कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डिफाइन द मर्डर इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन। नॉर्मा सर, अगर आप आदमी को नहीं भी जानते तब। आर्थर लुक अस्टाउंडेड, हैरान, खौफजद, अनेश, वो हैरान दिखाई दिया, अस्टाउंडेड, अमेज, आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक, जो तुम्हारे मुतल्लिक मैं सोच रहा हूं क्या तुम वही कह रहे हो? इफ सम ओल्ड चाइनीज पीजेंट 10,000 miles अवे, पीजेंट फार्मर को कहा जाता है, किसान को कहा जाता है, सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, डिजीज सिक बीमार, कहती अगर कोई, इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पीजेंट, अगर ये कोई बूढ़ा चीन का रहने वाला किसान है, 10,000 miles अवे, यहां से 10,000 miles दूर, ये तो न्यूयॉर्क में स्टोरी जो है वो की जा रही है, सम डिजीज नेटिव इन द कांगो, या कांगो अफ्रीका में, बरेजम अफ्रीका में, कहते हैं वहां अगर कोई बीमार आदमी है तो फिर How about some? जब वो ये बात कर रही है तो आखिर बीच में बोल पड़ता है, How about some baby boy in Pennsylvania? कहते हैं पेंसिल्वेनिया में जो एक बच्चा है उसके मर जाने के बारे में, तुम्हारा कत्ल जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्थर काउंटेड, काउंटेड, फट पड़ना, बीच में बोल पड़ना, बात को काट देना, डिस्टर्ब सम, आर्थर काउंटेड, आर्थर काउंटेड, आर्थर ने उसकी बात काट दिया, मीन अपू मुखालिफ, डिफरेंट है, डिफरेंट ओपिनियन, सम रिजिस्टेटिव इन हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, आर्थर काउंटर, आर्थर ने उसकी मुखालफत करते हुए कहा कि पेंसिल्वेनिया का जो बच्चा है उसके मर जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सम ब्यूटीफुल लिटल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, और खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर के साथ जो है वो अगले घर में कोई खूबसूरत बच्ची जो है वो इस मौत का शिकार हो जाती है जिस बटन यूनिट को तुम दबा रही हो, तो फिर नाउ You are loading things. Loading. Overstage. चीजों को बढ़ा चढ़ाकर ध्यान करना, जिसके कहते हैं बात का पतंगड़, तो overstage. Now you are loading things. कहती है आप तो खाम मखा चीजें जाना को बढ़ा चढ़ा के पेश कर, A point is Narma. He continued. कहते हैं Narma बात यह है, What's the difference who you kill? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किसको कत्ल करते हैं? It's still murder. सूरत हाल जो भी है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है तो मर्डर है तो कत्ल. A point is Narma. Broke Narma. Narma कहती है, बात यह है,
द पॉइंट इज नॉर्मल ब्रोकन ब्रोकन बीच में बोल पढ़ना टू स्टॉप समवन द पॉइंट इज नॉर्मल ब्रोकन बोल पढ़ो इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी कि ये कोई ऐसा मरने वाला आदमी है जिसे आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं और ना ही आने वाली जिंदगी में कभी देखें न कभी देखे से पहले न कभी देखेंगे समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट किसी ऐसे आदमी की मौत कि जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं आप जानती नहीं पता ही यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन कहती है तुम फिर भी बटन जो उसको पुश नहीं करोगे नहीं दबाओगे आर्थर स्टेयर्ड एट हर आर्थर ने उसे घूर के देखा अपेल शॉट सदमा पहुंचे उसे दुख हुआ यू मीन यू वुड कहते इसका मतलब है तुम ये कर गुजरोगी $50,000 साथ है हाँ कहती है डॉलर है 50,000 तो बटन ही दबाना है क्या फर्क पड़ता है कोई मर जाएगा और मरेगा भी वो जिसको हम नहीं जानते होंगे ओके जेंटलमैन वी आर गोइंग टू क्लोज ऑन आवर लेक्चर हियर इंशाल्लाह वी विल स्विच ऑन इट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज थैंक यू मच अस्सलाम वालेकुम